बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल पुलाव, जिसके लिए हमने कौन सी वेजिटेबल ली है वो आपको बताते हैं। ग्रीन पीस लिए हैं, कैरेट्स ली हैं, पोटैटो लिए हैं, चावल हमने पहले से भिगो दिए थे। 3 मग्स हैं, वेट का पता नहीं। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से डालने हाँ। इतने डालने हैं अनियन और ग्रीन चिलीज हमने थोड़ी सी ही ली हैं क्योंकि ये स्पाइसी नहीं बनाने हैं। 1 चिकन क्यूब ली है और ये ब्लैक इलायची ली है, 2 सिनेमन स्टिक हैं, ज़ीरा है, फ्यू लौंग्स हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं डालें इतने, ठीक है। सॉल्ट चाहिए है, ऑयल हमने हांडी में पहले से डाल लिया है जी। वो भी आप अपनी मर्जी से डालें, थोड़ा या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगे। ऑयल डाल के ना हमने गैस ऑन कर ली थी पहले से ही, अब इसमें अनियन डाल देंगे। ये सब्जियों वाले हैं ना, ये ज़्यादा मतलब मसालों वगैरह के साथ मतलब सिंपल अच्छे लगते हैं ना, ये इनका कलर ज़्यादा डार्क अच्छा लगता होता है। बहुत ही सिंपल बनाएंगे हम, कि सब्जियों के अपने कलर नज़र आए अपने जैसे। हाँ जी, जो बता रही है उसके जैसे बिल्कुल जी। आप नॉर्मली जैसे चावल जा, मतलब दूसरे पुलाव खाते हैं, मटर ये वाला ना तो ब्राउन भी नहीं करना है नहीं, ना हाँ जी, वो स्पाइस में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जस्ट ऐसे हल्की स्पाइस के साथ देखा हो ना तो ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि सब्जियों के ना फ्लेवर अच्छे से आपको मिल सकते हैं। आप और सब्जियां भी डाल सकते हैं, हमारे सारे खाते नहीं है, ये वाली खा लेते हैं इसलिए हम यही डालने लगे हैं। हाँ जी, हमने पाकिस्तानी गाजरे लाए हैं, वो डालेंगे इसमें आज, इनका कलर अच्छा आएगा। हाँ जी, लेकिन ग्रीन पीस अच्छे नहीं थे इसलिए वो फ्रोजन ही आ रहे हैं, वो इतने मतलब नाइस नहीं थे, देखे थे ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से ना उनके पॉड खाली होंगे। बहुत नन्हे मुन्ने से थे इसलिए वो नहीं लाए थे। बस अब ये इसको वेरी लाइट हल्का सा जैसे गोल करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए इतना खोल है ना, बस अब थोड़ा सा ना खड़े मसाले डालते हैं फ्यू सेकेंड्स साथ इसके, थोड़ा कुक करके तो अभी पानी का चिमटा दे देना है, वरना इन्होंने एकदम से फिर ब्राउन हो जाना है। सारी चीज़ें डाल देंगे, ये आलू और गाजर थोड़ा पहले डालेंगे क्योंकि फ्रोजन है ना तो वो जल्दी हो जाते हैं। अब नमक डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इनको फ्यू मिनट्स हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के ना कुक करेंगे, फिर ग्रीन पीस डाल देंगे। ये इनको कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब ग्रीन पीस डाल देंगे। इनको नहीं ज़्यादा टाइम कुक करना, ये जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा ये कुक हो लेना तो फिर इसमें पानी डालते हैं, हमने पहले का कैटल में बॉईल कर लिया है। ये थोड़ी देर हमने ग्रीन पीस डाल के कुक कर लिया है,
अब पानी डालेंगे। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से जितना डालते हैं डालें, बस इस पॉइंट पे आप डाल के ना अपना नमक चेक कर लेंगे थोड़ा है या ज़्यादा। जब इसका पानी पकने लग गया था ना 2-3 मिनट के लिए कुक करके, फिर इसमें चावल डाल दिए। जब पानी ड्राई हो जाएगा ना तो फिर दम दे देंगे इसको। ये हमारे चावल दम तक पहुंच गए हैं, पानी काफ़ी ड्राई हो गया है इसका। अब हम इसको दम लगा देंगे 20-25 मिनट तकरीबन। थोड़ी गैस करके ना छोटे वाले तो कर लेंगे, ये बड़ा होता है ना जो इसकी चिरांच फिर भी हल्की पे भी काफ़ी रहती है ना ज़्यादा। हमारे चावलों को ना दम पे 20 मिनट हो गए हैं, तो इनको हम चेक करते हैं। ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं। तो अब इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारे वेजिटेबल राइस रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे और मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना आपके कैसे बने हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सारे किचन में, इसकी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रूर बनाना आप भी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।